अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल फ्लैट टुडे। आज हम इस वीडियो में मिक्स्ड फ्रिक्शनल नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे कि हम मिक्स्ड फ्रिक्शनल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्स्ड फ्रिक्शनल नंबर लेते हैं, जैसे कि 5 1/2। अब इसको हम हल करेंगे, उसके बाद हम इनको ऐड कर पाएंगे। तो हल करने के लिए हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, और उसके बाद जो भी आंसर हमारे पास बचेगा उसको न्यूमरेटर के साथ प्लस करना होगा। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 10 + 1, क्योंकि जैसे ही हमने 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया तो वो आंसर आया 10 और उसको 1 से प्लस किया, और हम यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 ही रखेंगे। और उसके बाद हम आगे इसको हल करेंगे, तो 10 + 1 = 11/2। और उसके बाद अगर हम फ्रिक्शनल्स को हल करना चाहें तो वो होगा 5.5। और उसके बाद अब हमारे पास जो सेकंड मिक्स्ड फ्रिक्शनल नंबर है उसको लेते हैं, और उसको भी सेम प्रोसेस के साथ उसके डिनोमिनेटर को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम 2 के साथ प्लस कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आया 18। 6 को जब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसको 2 के साथ प्लस कर दिया, और डिनोमिनेटर वही 3 रहेगा। 18 + 2 = 20 और डिनोमिनेटर 3। अगर हम आगे भी इसको सॉल्व करना चाहें तो होगा 6.667। फर्स्ट मेथड। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए 2 मेथड्स हैं, तो पहले हम एक मेथड की बात करते हैं। जैसे कि हमने 5 1/2 को हल किया तो वो डेसिमल में 5.5 हो गया, और 6 2/3 को हल किया तो वो डेसिमल में 6.667 है। तो सिंपली हम अगर इनको ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.167, जो हमारे पास डेसिमल की सूरत में है। सेकंड मेथड है हमारे पास, वो है फ्रिक्शनल मेथड। जैसे कि 5 1/2 को हम फ्रैक्शन में 11/2 लिखते हैं, और 6 2/3 को हम फ्रैक्शन में 20/3 लिखते हैं। तो सिंपली हम इनको ऐड करेंगे, इनमें एक एडिशन की साइन डालेंगे बीच में। तो जैसे कि हमें पता है कि फ्रैक्शनल तरीके से अगर हम इनको हल करें, इनके डिनोमिनेटर्स की एलसीएम ली जाती है, पर ये जो अदद है वो बहुत लीस्ट अदद है और कोई और डिजिट इनको डिवाइड नहीं कर सकता। तो इसीलिए सिंपली हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास जो आंसर होगा उसके डिनोमिनेटर में हम डालेंगे 3 × 2 = 6। अब सिंपली एक फ्रिक्शन को लेंगे, उसके डिनोमिनेटर 2 को 6 के साथ डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आएगा, और उसके न्यूमरेटर के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन सेकेंड फ्रिक्शनल डिजिट लेंगे और इसके डिनोमिनेटर को 6 के साथ डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2, और 2 को हम उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 3 × 11 + 2 × 20। ये हमारे पास हो जाएंगे 33 + 40/6, और हमारे पास सिंपली आंसर आएगा 73/6। सवाल ये पैदा होता है कि ये मिक्स्ड फ्रिक्शनल डिजिट्स हैं क्या, और हम इनको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो ये सिंपली 5 1 + 1/2 है, अगर हम 5 1/2 को डिफाइन करें तो मीन्स इनके बीच में एक प्लस का साइन है, और फ्रैक्शन के लिए तो उनके डिनोमिनेटर्स पे भी गहरी नज़र डाली जाती है। जैसे कि इनके डिनोमिनेटर्स में एलसीएम लिया जाए तो वो है 2, और 1 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो 2 होगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 होगा, और + 1 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 ही होगा, तो 1 ही हुआ। और 10 + 1 = 11/2, और अगर हम डेसिमल की सूरत में लिखें तो वो हो जाएगा 5.5।